एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इशिता जायसवाल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो गाइस, टुडे आई एम गोना शूट अ अनरेडी वीडियो, अनरेडी विद मी, जिसमें मैं आपको एक स्किन केयर रूटीन बताऊंगी जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। बिकॉज अगर आप मेकअप करते हो तो आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, कोई दिक्कत ना आए, इस वजह से आपको स्किन केयर रूटीन ज़रूर करना चाहिए अपने मेकअप के बाद। अपने स्किन का ध्यान देने के लिए हमें स्किन केयर ज़रूर करना चाहिए। तो अभी मैं बताने वाली हूँ कि मेकअप, मैंने अपना मेकअप किया, मैं आपको हर चीज़ बताऊँगी आपको मेकअप के बाद कौन सी चीज़ें कि ध्यान रखना है, कि आपको कौन सी चीज़ें करनी है जिससे आपकी स्किन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। सो ज़्यादा बातें नहीं करते और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, नाउ वी आर गोना स्टार्ट आवर स्किन केयर रूटीन। सो यहाँ पे मैंने अपने बाल को टाई कर लिया है और अपने बाल को हटा लिया अपने फेस से, बिकॉज जब आप अपना स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करोगे तो आपके फेस पे बाल आएंगे। नाउ आई एम रिमूविंग माई लैशेज एंड लिटरली आई कॉन्ट टेल यू कितना रिलैक्स फील होता है लैशेज रिमूव करने के बाद। नाउ आई एम गोना स्टार्ट। सो हेयर आई एम यूजिंग दिस क्लिनजर विच इज़ फ्रॉम एमवे एंड यू कैन सी यहाँ पे आप टोनर भी यूज़ कर सकते हो, मिसलर वाटर भी यूज़ कर सकते हो, क्लिनजर भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, हेयर आई एम यूजिंग कॉटन बॉल्स, यहाँ पे आप कॉटन पैड भी यूज़ कर सकते हो। और गाइज, टोनर एक्चुअली मिसलर वाटर यूज़ करने से होता क्या है मैं आपको बता दूँ। तो आप जब मिसलर वाटर यूज़ करते हो तो आपकी स्किन में हाइड्रेशन आती है, आपकी स्किन क्लीन हो जाती है। एंड गाइज, मिसलर वाटर सबसे अच्छी चीज़ मिसलर वाटर की होती है कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए होता है, इंक्लूडिंग सेंसिटिव स्किन। और ये आपके स्किन से जितने भी मेकअप होते हैं, डस्ट होते हैं, डर्ट होते हैं, वो सब रिमूव कर देता है। अगर आप मेकअप नहीं करते हो तो भी यू शुड यूज़ मिसलर वाटर, ताकि आप कभी भी बाहर जाते हो, इतने पल्यूशन होते हैं, तो वहाँ से जब भी आप आओ तो आप मिसलर वाटर से अपने फेस को क्लीन कर लोगे तो आपके जितने भी डस्ट डर्ट हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे और आपके पोर्स में भी नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर आपके पोर्स में जाएंगे डस्ट और डर्ट तो फिर वो पिंपल्स की तरह आएंगे। सो यू हैव टू क्लीन योर स्किन यूजिंग टोनर, मिसलर वाटर और क्लिनजर। एंड यहाँ पे मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ ताकि मेरा पूरा मेकअप रिमूव हो जाए। एंड यू कैन सी अपने लिपस्टिक को, लिप्स को अच्छे से रिमूव करना है। हेयर आई एम यूजिंग गुड वाइब्स ग्रीन टी फेस वॉश। यहाँ पे मैं फेस वॉश करूँगी अपना, अच्छे से क्लीन करूँगी। जो भी पार्ट्स हम अपना मिसलर वाटर से जो भी क्लीन किया है हमने, हमारे जो भी डस्ट और डर्ट बचे होंगे वो हम अपने फेस वॉश करके निकाल लेंगे। सो यहाँ पे अच्छे से हम अपने फेस को वॉश करेंगे। आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, कोई भी कंपनी यूज़ कर सकते हो, कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो, इट्स ऑन यू। आपको पिंपल्स होते हैं तो यू कैन गो फॉर हिमालय, यू कैन यूज़ एनी फेस वॉश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आप यूज़ कर सकते हो वो सारे फेस वॉश। एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस गुड वाइब्स ग्रीन टी टोनर। सो गाइज, यहाँ पे हम टोनर यूज़ कर रहे हैं अपने स्किन को टोन करने के लिए। सो गाइज, जो टोनर होता है ना वो हमें अपने स्किन केयर रूटीन में, डेली स्किन केयर रूटीन में ऐड कर लेना चाहिए। बिकॉज जो टोनर होता है वो अगर हम अपना फेस वॉश करते हैं तो कुछ कुछ पार्ट्स जो होते हैं डस्ट और डर्ट के, वो हमारे पोर्स में स्टक हो जाते हैं। तो उसको निकालने के लिए हमें यूज़ करना चाहिए टोनर टू क्लीन योर स्किन। और गाइस, टोनर यूज़ करने से आपके पोर्स जो हैं टाइटन हो जाते हैं, जिससे आपके डस्ट और डर्ट आपके पोर्स में नहीं जाते हैं। सो गाइस, आपको टोनर रेगुलरली यूज़ करना चाहिए, ये आपके फेस को हाइड्रेटेड लगता है। और गाइस, जब मैंने ये टोनर लगाया आपको इतना ज़्यादा रिलैक्स, इतना हाइड्रेटेड फील होगा दैट आई कांट टेल यू। आपको बहुत रिलैक्स फील होगा ये टोनर लगाने के बाद। सो यू कैन सी आपको डैब करना है, आपको रब नहीं करना अपने स्किन पे टोनर को। सो गाइज, हेयर आई एम यूजिंग एलोवेरा जेल, पतंजलि एलोवेरा जेल। आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, होममेड भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, आप एलोवेरा जेल यूज़ करोगे तो आपके स्किन में मैक्सिमम प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी, बिकॉज इसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट लाइक विटामिन सी, विटामिन ई, जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव कर देगी। इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ योर स्किन, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है एलोवेरा जेल। आपको इसको डेली स्किन केयर रूटीन में आप यूज़ कर सकते हो, आपकी स्किन को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा और आपको अच्छे इम्पैक्ट्स दिखेंगे, पॉजिटिव अपीयरेंस दिखेगा, बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स दिखेंगे आपको एलोवेरा जेल यूज़ करने को। और आप इसको एज अंडर आई जेल भी यूज़ कर सकते हो, आप आराम से इसको अंडर आई जेल की तरह यूज़ कर सकते हो। इससे आपके सारे डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन रिमूव हो जाएंगे। सो हेयर आई एम गोना मसाज माई फेस। यहाँ पर मैं एलोवेरा जेल लगा के अपने फेस को अच्छा सा मसाज दे रही हूँ। ये आपको स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट भी कर देगा और बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर देगा। सो यू कैन सी यहाँ पे मैं थोड़ा मसाज कर रही हूँ अपने अंडर आइज के नीचे, ताकि जो मेरे अंडर आइज में डार्क सर्कल्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएं।
सो यू कैन सी बहुत अच्छा लगेगा जब आप अपने फेस पे एलोवेरा जेल लगाओगे, बहुत रिफ्रेश फील करोगे, बहुत अच्छा हाइड्रेशन लगेगा आपके फेस पे। सो यू कैन सी अच्छा सा मसाज देना है आपको अपने फेस पे, बहुत ज़्यादा रब नहीं करना, आपको अपने लाइट हैंड से लाइक फिंगर्स से बहुत लाइटली मसाज देना है, एज यू कैन सी बहुत अच्छे से। एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस लैक्मे सनस्क्रीन। तो यहाँ पे मैं सनस्क्रीन अलग से नहीं यूज़ कर रही हूँ, डायरेक्टली मैं सनस्क्रीन प्लस मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। एंड गाइज, अफोर्डेबल प्राइस में अगर आप सनस्क्रीन प्लस मॉइस्चराइज़र देख रहे हो तो आप ये ले सकते हो, बहुत अच्छा है। सो गाइज, मॉइस्चराइज़र यूज़ करने से आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी और बहुत अच्छा फील करोगे आप। आपकी स्किन पे बिल्कुल भी आपके फेस पे ड्राइनेस नहीं आएगा। सो गाइज़, ये पार्ट तो आपको बिल्कुल भी डेली स्किन केयर रूटीन से नहीं मिस करना है। आप मेकअप करो या ना करो ये मैटर नहीं करता, बट आपको स्किन केयर रूटीन में डेली मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। सो गाइज, नाउ आई एम यूजिंग दिस वेसलीन लिप बाम। यहाँ पे अपने लिप्स को हाइड्रेटेड रखने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं लिप बाम। हमारे लिप्स पे ड्राइनेस ना आए तो आप मेकअप करने से पहले, मेकअप करने के बाद अपने डेली स्किन केयर रूटीन में ये पार्ट भी ऐड कर लेना, बिकॉज़ ये आपके लिप्स के लिए बहुत अच्छा होता है। सो दिस इज़ माई स्किन केयर रूटीन आफ्टर मेकअप और बिफोर मेकअप। सो गाइज, ये आप फॉलो कर सकते हो। होप यू ऑल लाइक इट गाइज। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये स्किन केयर रूटीन अच्छा लगा हो, ये अनरेडी वीडियो अच्छा लगा हो। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे ऑल कर देना, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगी। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलना। और गाइज, अगर आप ये स्किन केयर फॉलो करोगे तो आई प्रॉमिस यू आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप मेकअप के बाद ये स्किन केयर ज़रूर 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 फॉलो करो। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, उस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।